हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यूट्यूब चैनल पर शीतल गार्डन से आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो एक स्नेक प्लांट पर है, और स्नेक प्लांट पर भी नहीं, जो कि आज का पोल्यूशन इतना ज़्यादा फैला हुआ है, मेरा उस पर छोटा सा एक संदेश है लोगों के लिए कि अपने घर में हम 3 प्लांट लगा सकते हैं जो कि हवा को बहुत ही प्योरीफाई करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। सबसे पहला नाम है उसका मदर इन प्लांट, यानी कि स्नेक प्लांट। इस स्नेक प्लांट में इतनी ताकत है कि ये ऑक्सीजन, मतलब रात को अगर हम अपने रूम में भी रखेंगे, बेडरूम में या लिविंग रूम या ड्राइंग रूम किसी में भी रख सकते हैं, रात को भी ये जहरीली हवा को, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज कर देती है। तो ये दूसरा प्लांट का नाम है मनी प्लांट, ये देखिए। और मनी प्लांट को उगाना बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, और ऐसे ही स्नेक प्लांट को उगाना बहुत इजी है। आप किसी भी मिट्टी में इसे लगाएंगे और ये ग्रो करेगी, बहुत आसानी से ग्रो करेगी। और मनी प्लांट को तो हम पानी में भी डाल सकते हैं, पानी में कोई भी कटिंग करके लगा दीजिए जगह जगह। इसमें इतनी पावर है कि ये ऑक्सीजन को, कई जहरीली गैसों को ख़त्म करती है और ऑक्सीजन देती रहती है। कहते हैं कि मनी प्लांट से हमें पैसा मिलता है, पैसा मिले या ना मिले, लेकिन हमें अपने जीने की सांसें ज़रूर मिलती हैं, क्योंकि इसे हम अपने घर में अंदर भी लगाएंगे तो ये काफ़ी है, मतलब हमें जीने के लिए, और ऑक्सीजन देती है बहुत अच्छी। और तीसरा मेरा जो पौधा है वो है अरिका माम, क्योंकि अभी भी ये कानपुर की IIT में ये साबित हुआ है कि तीनों प्लांट बहुत अच्छे हैं ऑक्सीजन के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए, मैंने इतने सारे प्लांट, मैंने बहुत स्नेक प्लांट तो मैंने बहुत लगाए हुए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। और ये मैंने अभी बैम्बो में भी लगाए हैं, ताकि कुछ पेड़ों, जो हम गमले लाते हैं उसमें कभी रेल लग जाती है मिट्टी की या कुछ भी है, लेकिन ये बैम्बो प्लांट जो बैम्बो में मैंने लगाया है, इसे हम अपने बेडरूम में, किचन में या बाथरूम में कहीं भी रख सकते हैं, और ये पानी भी बहुत कम मात्रा में लेता है। ये देखिए, मैंने इसे सिर्फ एक नारियल की कटिंग में, जो कि हम पानी पी के वेस्ट फेंक देते हैं, उसमें लगाया हुआ है, और ये उसमें भी कितने अच्छे से ग्रो कर रखा है। इसे हम महीने में एक बार धूप ज़रूर लगा सकते हैं, महीने में या हफ्ते में, जैसा भी आपका दिल करे। और अरिका पाम को हम 2-3 महीने में धूप लगा सकते हैं, लेकिन धूप लगानी बहुत ज़रूरी। ये देखिए मेरे कितने सारे स्नेक प्लांट हैं, तो हमें इसे बेडरूम में ज़रूर रखना चाहिए फ्रेंड्स, जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है। और इससे मतलब दिल्ली का पोल्यूशन तो कम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम अपने घर का, अपने ही घर का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हद तक कम कर सकते हैं। जब भी इन पे थोड़ी सी मिट्टी जम जाए पौधों पे या पत्तियों पे, तो हमें इन्हें पानी के फुहारे से साफ़ कर देना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल साफ़ होए और हमें अच्छा पानी दे सके। ये देखिए, मैंने बैम्बो में बहुत अच्छे लगाए हैं, ये एक मैंने नया तरीका ढूंढा बैम्बो में लगाने का, ताकि ये मिट्टी भी ना डाले और पानी भी बहुत कम लेता है और अच्छे से ग्रो करे। देखिए फ्रेंड्स, और ऑक्सीजन लेवल के लिए तो ये सबसे अच्छी है। जो लोग बीमार रहते हैं अक्सर, उन्हें हमेशा ये बेडरूम में रखना चाहिए, रात को, दिन में, हमेशा रखना चाहिए। ये देखिए, तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।